हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं सभी टॉप एजुकेटर्स के साथ आप लोगों का। और हमेशा हम लोगों का प्रयास रहा है कि कुछ ही समय में, मतलब 8 से 10 मिनट के अंदर, आपका समय भी हमें पता है बहुत मूल्यवान है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस दे जाएं, स्पेशली लेके टेस्ट सीरीज को। सर, बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं, तो आज मतलब हमारे साथ प्रतीक सर हैं, हमारे साथ मधुकर सर हैं, जो अपने विषय में सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। वो आपको बताएंगे टेस्ट सीरीज का महत्व, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाना ही काम नहीं है, उसको सही ढंग से लगाना बहुत जरूरी है। और टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है एक्चुअल में, कई बार हम अंधकार में रहते हैं, तो अगले 10 मिनट आपको बिल्कुल सही रास्ता मिलने वाला है। तो सर, मैं सबसे पहला आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि PYQs यदि हम बात करें, सबसे पहले शुरुआत मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जाम हो रही है उसका असली पता तो PYQ बताएगा। तो मेरे हिसाब से पहले टेस्ट लगाऊं कि PYQ से ही एक्चुअल में शुरू करूं? और चलो मान लो मैंने PYQ से शुरू भी किया, तो क्या लगता है कोई फायदा होगा क्या मुझे उससे? नहीं, बिल्कुल, ये बड़ा बहुत बड़ा कंफ्यूजन आजकल स्टूडेंट्स के अंदर होता है, टेस्ट, PYQ, सेक्शनल, पूरे। सबसे पहली बात, PYQ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है सर, आप कोई भी टेस्ट देने से पहले जान तो लीजिए कि मैदान में पूछा क्या जा रहा है। रियलिटी में पता चल रहा है कि आपने बहुत सी प्रैक्टिस अलग अलग टेस्ट से की और उस टाइप के सवाल ही नहीं थे। मान लीजिए मैंने CSET में डर पैदा करने के लिए 3 मैथ्स के ऐसे सवाल बने जो आपने अपने पड़ोसियों से भी हल नहीं करवा पाए। आपको लगेगा कि बहुत अद्भुत सवाल थे, लेकिन क्या वो आएगा? तो पहले PYQ के माध्यम से हम जान लेते हैं हमें कहां तक जाना है, और फिर उससे टेस्ट का भी अंदाजा लगेगा कि सच में वो टेस्ट जेन्युइन था कि डराने के लिए बनाया गया था। मतलब किसी खेल के नियम की बात कर रहे हैं आप सीधी? जी सर, एब्सोल्युटली। और दूसरा ऐसा है कि PYQ से हमें एक तो ट्रेंड एनालिसिस समझ में आता है। मेरे सब्जेक्ट की बात करें तो मतलब ओशन की जितना सिलेबस, उससे भी ज़्यादा मरियाना ट्रेंड से नीचे चला जाएगा और माउंट एवरेस्ट से ऊपर चला जाएगा, उतनी उसकी डेप्थ और हाइट है। सही बात। अब कहने की बात यह है कि इसमें क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, तो कौन से एरिया को छोड़ना है खास करके, वो सब PYQ से पता चलेगा। हिस्ट्री में जैसे मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली टेस्ट सीरीज में नहीं आ पा रहा है। लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री में डेट्स रट्टा मार के चले जाते थे, लोगों को लग रहा था कि वो टेस्ट में ठीक है पर UPSC नहीं पूछता है। पूछता है तो अलग तरह से पूछता है, क्रोनोलॉजी को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करने के लिए पूछ रहा है, राजाओं की वर्बेटिम की तारीख नहीं पूछ रहा है। लोगों को लग रहा है कि 598 BC या इस साल को मैं एग्जैक्टली याद करूंगा, वो नहीं, 6th century तुम्हें याद रहना चाहिए। तो वो सब कैसे पता चलेगा? इंटरकनेक्टिविटी। और मेनली सर 4-5 प्रकार के सवाल आते हैं। एक तो स्टेटमेंट बेस्ड आता है, मैच द फॉलोइंग ऑथर्स वाला बुक्स का नाम पूछ देगा, मैपिंग बेस्ड सवाल आएगा, असर्शन रीजनिंग आजकल उसने रिवाइज करना शुरू किया है। UPSC पिछले साल शायद 2023 के पेपर में 30 से ज़्यादा प्रश्न असर्शन रीजनिंग बेस्ड थे, अलग अलग सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में भी थे, पॉलिटी में भी आए, एनवायरमेंट में भी आ गए सर। तो वो सब कैसे पता चले? वो सब PYQ से पता चलेगा। तो मेन PYQ को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और PYQ से सर टॉपिक का भी फिल्ट्रेशन हो जाता है, मेन बेस्ट फायदा ही है। मतलब सर मेरे हिसाब से ये बात सही है कि आप लोगों का ये कहना है कि भाई तू सॉल्व मत कर अभी भले क्वेश्चन, अब जैसे प्रिपरेशन शुरू करी तो मेरे से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, पर सॉल्व मत करो, पर उसका पैटर्न तो समझ लो। मुझे लगता है आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन और आपका पूरा सिलेबस का पैटर्न, वो सब कुछ सुलझ जाएगा उससे। सो बहुत जरूरी है। लेकिन सर एक चीज फिर आ रही मेरे दिमाग में कि मैंने PYQ भी देख लिए, चलो मैंने पढ़ भी लिया, सॉल्व भी कर लिया, उसके बाद मार्केट में चला गया, मैंने 10 जगह के टेस्ट ले लिए, पर मैं मुझे लग भी रहा है कि मेरे क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं या थोड़े नहीं भी होते हैं किसी दिन, लेकिन मतलब असली बात यह है कि मैं एक्चुअल में एग्जाम लायक बना हूं कि नहीं, मुझे चेक कौन करेगा, कैसे पता लगेगा सर? इसमें सर एक इंटरेस्टिंग जोक और कहानी बताता हूं। उसमें एक बार ऐसा हुआ कि एक बच्चा घर पे दौड़ता दौड़ता आया, पापा मेरे इसमें थर्ड आया। तो पापा ने पूछा क्या बात है बेटा, मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। तो फिर पापा ने पूछा कि इतने लोग दौड़ने वाले थे, कि पापा 3 ही लोग दौड़ने वाले थे। अरे ये जो अगले टेस्ट देने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी शायद तक ऐसा ही हो तो सकता। क्या करें सर, मतलब इसका क्या तरीका है? मैं कहूंगा कि बिल्कुल ये जो कहानी है ना, अकेले कमरे में बैठकर खुद ही टॉपर बन गए, पर दुनिया में जब कंपटीशन रियलिटी में 26 मई को होगा तो क्या होगा? इस बात का जो सबसे बड़ा मलाल विद्यार्थी को होता है कि उसको कॉम्पिटिशन नहीं मिल पाता है। इसी बात को लेकर अनअकैडमी लेकर आया है, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जिसमें आपको 10, 100 या 1000 लोगों के बीच में अपनी रैंक नहीं पता चलेगी, हजारों लोगों के बीच में आपको पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली कहां पर स्टैंड करते हैं। मतलब तो अब आप अपने रूम में अकेले टेस्ट नहीं देंगे, साथ में आपके साथ हजारों लर्नर्स भी देने वाले हैं। सर ये है चैंपियनशिप टेस्ट। अभी चैंपियनशिप का मतलब यहाँ पर आप अपने आप को चेक भी करेंगे कि भाई मेरी क्या स्थिति है,
और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाँ थीम तो ठीक है ना कि आप अकेले नहीं दोगे रूम में, ऑनलाइन आपके साथ है ना। तो अब आप अपने रूम में अकेले बैठ के टेस्ट नहीं देने वाले हैं, आपके साथ हजारों बच्चे ऑनलाइन ये टेस्ट देंगे। तो एक ऑनलाइन चैंपियनशिप टेस्ट होने जा रहा है, जहां पर आप अपने आप को चेक कर पाएंगे ऑल इंडिया लेवल पे कि कितनी मेरी रैंक आ रही है, किस स्थिति पे हूं मैं। हर सब्जेक्ट वाइज आपको अपनी एक्चुअल में कमियों को पता लगेगा। तो क्यों ना ऐसे टेस्ट को दें। अनअकैडमी ये साल में एक बार टेस्ट कंडक्ट कराता है ये चैंपियनशिप, ये फोर्थ टाइम होने वाला है और पिछले रिकॉर्ड्स बहुत गजब रहे हैं। तो अब हम इस चैंपियनशिप टेस्ट में ये भी देख लेते हैं कि आपकी रैंक के अलावा आप लोगों को और क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि आप रैंक के हिसाब से आपको जो है एक दिन मौका मिलेगा ब्यूरोक्रेट के साथ पूरा अनुभव करने का, आपकी अपनी गाइडेंस भी ले सकते हैं आप। साथ में अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के साथ मिलने का मौका है, स्पेशली यदि रैंक कम आती है, मार्क्स कम आ गए तो आप क्या करें, डायरेक्शन कैसे होगी प्रिपरेशन की। और भी बहुत सारे ऐसे मैकबुक आईपैड जैसे गैजेट्स आपके लिए अवेलेबल है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो के लॉन्च होते ही जो लर्नर सबसे पहले 500 टेस्ट टेकर्स होंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन किया और साथ में आप जब टेस्ट देंगे, कब हो रहा है 17th of December सुबह 11 बजे, यदि लकी ड्रॉ मतलब आप यहां समझ लेना मैं क्लियर कर रहा हूं, इस वीडियो के बाद टॉप 500 जो पहले रजिस्ट्रेशन होंगे और उनमें जो टेस्ट देगा वो एक लकी ड्रॉ के लिए आप मान के चलना फिक्स है आप, ठीक है। सो इस चीज को और ध्यान रखें। सर इतनी सारी हम लर्नर्स के लिए ये सब कर रहे हैं, हाँ, तो एक क्वेरी बहुत निकल के आ रही है कि ये तो पेड टेस्ट होगा मोस्ट प्रोबली, इसकी तो फीस भी। नहीं नहीं सर, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इस मौके को मत जाने दो, साल में एक ही बार होता है ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है, आपको बस नीचे लिंक पे जाना है, उसको रजिस्ट्रेशन करना है। एग्जैक्टली दोस्तों, और फ्री है टेस्ट, उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट है क्योंकि ये एजुकेटर सेंट्रिक और एजुकेटर्स के द्वारा इवेल्युएट किया गया। और सर साथ में स्कॉलरशिप है, जहां आप मतलब 50% बच्चों को स्कॉलरशिप तो मिलेगी मान के चलिए आप, कि मतलब जो लोग टेस्ट देंगे, तो क्यों ना फिर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से अपनी पूरी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। Exactly. तो इस टेस्ट को तो मिस करना ही नहीं चाहिए। सर हम अपनी स्ट्रेटजी पर वापस आएंगे, अब यहाँ पर बात करेंगे स्पेशली अब की जैसे रोल ऑफ PYQ की जो चर्चा चल रही थी। सर एक क्वेश्चन मैं दिखाना चाहूंगा कि 2015 और 17 में एक थीम पे क्वेश्चन आ गया, तो क्या लगता है सर रिपीट हो जाती है थीम्स? ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के बीच में कि यूपीएससी क्वेश्चन कट पेस्ट नहीं करती है। मैं आपको ऐसे कई प्रमाण दिखा सकता हूँ कि यूपीएससी ने अपने पूर्ववर्ती प्रश्नों को दोहराया है और कई बार तो एज इट इज भी दोहराया है। अच्छा। मैं ये मानता हूँ ये रेयरली होगा, लेकिन अगर आप उन सेगमेंट को देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि अच्छा ये सेगमेंट इस जगह पर इम्पोर्टेंट है, मुझे ये एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू देने में बड़ी मदद करता है। बिल्कुल, तो सभी लर्नर से कहूंगा भाई PYQ देखो, बहुत फायदे हैं इसके, लेकिन अभी भी सर एक कमी मुझे लग रही है, मैं कितने टेस्ट दे लूं और अपने आप को यदि चेक नहीं करूंगा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। तो यहाँ कोई एक मैकेनिकल काम करने के लिए नहीं हम आपसे कह रहे हैं कि आंतरिक रूप से बस आपको टेस्ट लगाने हैं। अब देखिए तीसरा इम्पोर्टेंट क्या है, इवेल्युएशन एंड एनालिसिस, कि सर है क्या, लगता है आपको कुछ रोल है इसका, करना पड़ेगा इवेल्युएट कोई टेस्ट दे रहे हैं तो। यही है जिसके लिए टेस्ट दे रहे हैं, बस यही सच्चाई है। और एक आखिरी चीज इसमें जोड़ूंगा मैं कि मेक अ डायरी ऑफ मिस्टेक्स, शायद ये जितने इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं इनको आप, क्योंकि भूल जाओगे तीसरे दिन बाद, अरे लोगों भूल जाते हैं सर। और सर डायरी ऑफ मिस्टेक्स में मेन तो ये देखना है, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में एक कैंडिडेट होगा जिसके पार्लियामेंट के क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं, तो दैट शुड बी द एरिया उनके फोकस करने हैं। हो सकता है कि ज्योग्राफी है तो क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चंस गलत जा रहे हैं या मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन जा रहे हैं, एनवायरमेंट के अंतर्गत सर जैसे मधुकर सर पढ़ा रहे हैं, तो मेन इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि टेस्ट देने के लिए नहीं देना। लोग क्या करते हैं कि सर मैंने इस बार तो 100 टेस्ट लगवाने हैं, और 2 घंटे तुम टेस्ट दोगे, उसके बाद 2 घंटे तुम्हारे एनालिसिस इवैल्यूएशन में जाएंगे, मतलब काउंटिंग ही नहीं करनी, मैकेनिकल काम नहीं। और कहां तक का सर इवैल्यूएशन करना है कि उनको ये देखना है कि मेरे कितने क्वेश्चन तुक्के में सही गए, क्योंकि वो भी गलत है। हाँ, वो भी गलत ही है, वो भी गलत मान के चलना है। और फाइनल जाके तब आपको बैठना है कि यार कौन से एरिया है मिस्टेक्स, और फिर लेसन लर्नड अल्टीमेटली आपको ये रिपीट करना है। ये कर दिया तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ताकत आपको यूपीएससी। हाँ सर, मतलब सीधा गणित है कि आप महीने में 5 टेस्ट भी लगाते हैं, 50 गलती भी करोगे आप, तो 50 गलती को याद कैसे रखोगे?
ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको कहीं कि भाई ये एरिया से मेरे को प्रॉब्लम। और आप इमेजिन करो कि आपके पास एक बुक है जिसमें आपने साल भर गलतियां करी हैं और एग्जाम के पहले आप गलतियों को देख गए तो रिपीट नहीं करेंगे रिपीट। और दूसरा क्या है कि सर टेस्ट के बाद वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो सर मेरे हिसाब से टेस्ट बहुत जरूरी भी है और ये जो चैंपियनशिप टेस्ट हो रहा है इसे आपको किसी भी प्रकार से मिस नहीं करना है, क्योंकि एक तो ये टेस्ट आपको पीवाईक्यू बेस्ड भी है, या तो आप पीवाईक्यू लगा लो या एक पैटर्न समझना तो इसी टेस्ट को दे लो अभी तो फिलहाल। Exactly. शॉर्ट टाइम में बेस्ट पार्ट ये है कि हजारों कैंडिडेट के साथ आप दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, मेरे हिसाब से बहुत भी दिक्कत आपको आएगी नहीं और आप अपने आप को जज कर पाओगे कि वेयर डू यू स्टैंड। मेन तो इंटेंशन यही है कि रेस में तीसरा आया पर तीन लोग नहीं दौड़ रहे थे, 3000 में तीसरा आया तो वहां से आपकी जो लेवल है या मार्कमैनशिप है वो समझ में आ जाएगी। जी सर। सो सर क्वेश्चन हमने बात की थी और लास्ट तो यूसीएससी ही हमारा, तो फिर से हम आपको वेलकम करेंगे 17 दिसंबर को 11 बजे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। टॉप 500 अभी के अभी जो रजिस्टर करा रहे हैं ये जो टेस्ट देंगे वो टेस्ट देंगे उनको डेफिनेटली वाउचर मिलेगा और बाकी हम लोग तो आपके साथ है ही बाकी। सो थैंक यू प्रतीक सर, थैंक यू मधुकर सर, आपने अपना समय निकाला और लर्नर्स मतलब आप हमेशा प्रयास ये करते हैं कि लर्नर्स को क्या बेस्ट पॉसिबल दे सकें। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बिल्कुल, ये एक ऐसा मौका है जहाँ टॉप एजुकेटर भी एक जगह उपस्थित हुए हैं और ये जो दिसंबर का महीना है ये वास्तविक रूप में गर्माहट पैदा करने वाला महीना होता है। जी सर। सो बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट।